इतनी शांति है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। बहुत ही कमाल की जगह थी। फिर मैंने और मेरे पापा ने फैसला किया कि हम दोनों बोट लेकर फिशिंग करने जाएंगे। एक बात है, मछली पकड़ना मजेदार है। वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं वहाँ पर गया। दूर दूर तक नीला आसमान फैला होता है और बोट बहुत तेजी से लहरों के ऊपर चलती है। ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। कम फिश कम गेम। अपना कमाल दिखाओ। एंट्रेंस के लिए जगह मिल गई, अब मुझे एग्जिट के लिए जगह ढूंढनी है। ये जगह बिल्कुल ठीक रहेगी। फिश आर हियर गेट। अब इस गेट को मुझे जमीन के नीचे लगाना होगा। नोबिता कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? डोरेमोन! तो आखिर तुम आ ही गए। सुनियो की बातें सुनकर तुम्हारा भी फिशिंग करने का मन कर रहा है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? बताओ। वाह, तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो। अगर मछलियाँ कम फिश कम गेट की तरफ जाती हैं, तो वो फिश आर हियर गेट से यहाँ आकर जमीन के नीचे तैरने लगेंगी। इसका मतलब ये जगह पूरी मछलियों से भर जाएगी। और अब अंडरग्राउंड फिशिंग रॉड। ये कितना अच्छा और मजेदार है ना डोरेमोन? सही कहा। ये क्या है? मुझे समझ ही नहीं आता कि ये दोनों चाहते क्या हैं। उन पर ध्यान मत दो, उन्हें जाने दो। हम एक बड़ी मछली पकड़कर उन्हें चौंका देंगे। मैंने पकड़ ली। मैंने मछली पकड़ ली। हमने यार दिखाया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अरे नहीं, वो लोग चले गए। डोरेमोन? मुझे नहीं पता। उसे मार दिया? नहीं, मैंने बस उसे आवाज और रोशनी से डरा दिया। हमें उसे वापस गेट तक ले जाकर समुद्र में छोड़ना होगा। ये लो, पकड़ो इसे। मुझे उम्मीद है तुम भी शूट कर पाओगे। वो जमीन के नीचे ही कहीं पर है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अरे इसको क्या हो गया? टायर की तो सारी हवा निकल गई। लगता है वो बाहर चली गई है। उसे पकड़ना होगा इससे पहले वो किसी को खा ले। हम अलग अलग जाते हैं। मैं इस तरफ जाऊंगा और तुम उस तरफ जाना नोबिता। अगर वो मिल जाए तो शूट कर देना, ठीक है?
हाँ ठीक है, दौड़ना शुरू करो। अरे ये तो सिर्फ एक कचरा था। डरिए मत, मैं आ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप सिर्फ गड्ढे में ही गिर गए थे अंकल। मेरे गिरने पर तुम्हें खुशी हो रही है? नहीं वो तो मैं वो तो सुनियो का घर है। ये क्या हो रहा है? तुम मेरी बिना इजाजत के यहाँ पर आए कैसे डोरेमोन? तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ आसपास एक शार्क है। क्या कहा उसने, शार्क? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ। वो तो शिजुका के घर की तरफ जा रही है। शिजुका भागो। क्या कर रहे हो नोबिता? हाँ? पता नहीं वो कहाँ है, मुझे तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ओ हाँ, एक आइडिया। अंडरग्राउंड स्विमिंग गैस। अगर शार्क जमीन के नीचे है तो मैं भी जमीन के नीचे जाकर उसे ढूंढूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ शिजुका, यहाँ एक शार्क है। मुझे माफ कर दो, वहाँ एक शार्क थी, समझो शिजुका। तुम बस किसी ऊंची जगह पर चली जाओ। रुको सर। नोबिता, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? ये कितनी बुरी बात है कि तुम ऐसी चीजों से लोगों पर हमला कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ नोबिता, रुको, मेरी बात सुनो। रुक जाओ नोबिता, बाद में सुनाता हूँ सर। चली गई शार्क। हे शार्क, कहाँ हो तुम? अच्छा तो इधर जा रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये चल क्यों नहीं रही है?
नाराज की भी हद होती है। तुम्हारी वजह से सब डर गए। हमने आप लोगों को एक शार्क से बचाया है, हमें शुक्रिया बोलिए। ने सही कहा। ये फिर से अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो, हम सच बोल रहे हैं जी आंसुनियो। शहर के बीचों बीच शार्क कैसे आ सकती है? Ha 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 ha